क्लास इलेवेंथ स्टेटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स चैप्टर थर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा क्लास वन एज यूजल हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं देखिए जो चैप्टर सेकेंड आपने पढ़ा उसमें आपने ये देखा कि जो स्टेटिस्टिक्स है वो कितना इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर राइट उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस है राइट और जो डाटा है

उसी डाटा की एडिक्वेसी पर कि क्या जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो कितना एक्यूरेट है करेक्ट है अप टू द पॉइंट है या नहीं है एडिक्वेट है इनफ है या नहीं है क्या और डाटा तो नहीं चाहिए था सफिशियंट है या नहीं क्वालिटी कैसी है उस डाटा की उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टिगेशन की सक्सेस राइट सो इसका मतलब जो आपने स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की है वो इन्वेस्टिगेशन सारा किस पर बेस्ड है डाटा के ऊपर यहां तक समझ में आती है चलिए सो so, ये तो कहानी रही कि हम जो पढ़ रहे हैं यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं उसी डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है क्यों करते हैं क्या रीजन है राइट कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा सो so, से मैं स्टार्टिंग करता हूं दैट इज स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी हेडिंग डालिए इंक्वायरी देखिए स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब क्या है इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कौन

और मैं क्या कर रहा हूं एक इंक्वायरी स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी कर रहा हूं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं किसी टॉपिक के ऊपर राइट जस्ट लाइक मैं अभी बात करूं कि ऑनलाइन एडुकेशन जो है वो कितने हद तक लोग प्रेफर कर रहे हैं अगर मैं इसमें इंफॉर्मेशन क्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी सेटअप करूंगा क्लियर ओके सो ये जो स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी होती है ये क्या फाइंड आउट करती है अल्टीमेटली एक सच्चाई विद द हेल्प ऑफ Method, वो कौन -कौन से हो सकते हैं जैसे मुझे कुछ मेरे कलीग्स टीचर्स ने कहा कि आप भी ऑनलाइन की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए बिकॉज बच्चे वही प्रेफर कर रहे हैं राइट right? सो so, मैंने ट्रुथ फाइंड आउट करने के लिए सच्चाई फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया एक स्टैटिस्कल इंक्वायरी बिठाई स्टेटिस्टिकल मैथड्स से थ्रू मैंने सबसे पहले तो कलेक्शन किया बच्चों के रिव्यूज लिए स्टूडेंट्स के कि वो क्या चाहते हैं ऑफलाइन प्रेफर करना चाहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्रेफर करना चाहते हैं कलेक्शन के बाद मैंने उनका कंपाइलेशन किया एक समरी दो चार्ट्स बनाए जो प्रेफर करते हैं और जो प्रेफर नहीं करते क्लियर उसके बाद एनालाइज किया कि ज्यादा स्टूडेंट्स तो क्या कर रहे हैं ऑफलाइन प्रेफर कर रहे हैं कुछ बट मैक्सिमम ये भी है कुछ ऑनलाइन भी प्रेफर कर रहे हैं मतलब फिफ्टी फिफ्टी चल रहा है सो so, इंटरप्रिटेशन क्या निकाला

डाटा मिलेगा तभी उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकलेगी बिकॉज जब मेरे पास बच्चों का डाटा ही नहीं था उनके रिव्यूज ही नहीं थे तब तक मैं कंफ्यूज था कि मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं या ऑनलाइन पढ़ाऊं अपने कलीग्स की सुनू या फिर मैं ऑफलाइन ही कंटिन्यू करता रहा हूं सो so, मैंने देखा तो 50 50 चांस थे तो मेरे को सोल्यूशन मिल गया जस्ट बिकॉज मेरे पास डाटा कलेक्ट हुआ राइट right? चलिए तो मैं आपको इसके अंदर कुछ लिखवाता हूं लिखिए स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी के अंदर क्या लिख रहे हैं बाय स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी वी मीन

ट्रुथ विथ द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड ऑफ कलेक्शन कंपाइलेशन एंड देन एनालिसिस उसके बाद लास्ट आपका इंटरप्रिटेशन राइट एसेक्टर भी आप लिख सकते हो और भी हो सकते हैं उसके लिए ओके सो हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या रही फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करना वो लाइन भी लिख लेते हैं फॉर एनी स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी द बेसिक प्रॉब्लम इज टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स राइट टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स चलिए सो जो बेसिक आपका जो प्रॉब्लम है फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करना है बट कलेक्शन ऑफ डाटा का पर्पज क्या है हम डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं जो चैप्टर पढ़ रहे हम क्यों पढ़ रहे हैं यही कि एविडेंस को हम कलेक्ट कर सके सो लिखिए एंड में सो दर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज टू कलेक्ट द एविडेंस फॉर रीचिंग साउंड एंड क्लियर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम जो आपकी प्रॉब्लम है उसका क्लियर सोल्यूशन आपको मिल सके इसलिए आपको एविडेंस की जरूरत है सो so, इसलिए आप क्या कर रहे हो डाटा को कलेक्ट कर रहे हो क्लियर समझ में आ गया आपको स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है चलिए अब जब भी कोई स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी बैठाता है करता है तो जो वो करता है उसको भी हम यहाँ पे कुछ नाम देते हैं जिनकी मदद से करता है और जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है मतलब सबके कुछ ना कुछ नाम है राइट right? सो so, मैं उनके बारे में बताता हूँ कुछ टर्म्स है हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स फर्स्ट टर्म है हमारे पास आ रही है इज इन्वेस्टिगेटर 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 लिखिए देखिए कौन होता है जो कि इंक्वायरी कंडक्ट करता है जो भी स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी बैठाएगा उसको हम इन्वेस्टिगेटर कहेंगे लेट सपोज मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मिले मेरे को उनके रिव्यूज मिले सो so, मैं एक स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा हूं तो मैं बन गया इन्वेस्टिगेटर राइट द पर्सन कंडक्ट्स द स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी इज नॉन एज इन्वेस्टिगेटर राइट लिख लिया चलिए सेकेंड आता है एन्यूमरेटर्स अब एन्यूमरेटर्स अब, कौन से होते हैं देखिए जो इन्वेस्टिगेटर है वो अकेले तो स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट कर नहीं लेगा उसको कुछ लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी मैं हर घर में जाके हर बच्चे से तो नहीं पूछ सकता या उनसे बैठ के मैं फोन पे बात तो नहीं कर सकता अदरवाइज फिर पढ़ाएगा कौन राइट right? सो so, कुछ पर्सनस की मुझे हेल्प चाहिए होगी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में तो जिन पर्सन की भी मैं हेल्प लूंगा उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में उनको मैं एन्यूमरेटर्स कहूंगा राइट दे विल हेल्प मी टू गेट द इंफॉर्मेशन ओके सो लिखे इसके अंदर क्या लिख रहे द इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड नॉन एज एन्यूमरेटर्स राइट चलिए थर्ड आता है आपका रिस्पॉन्डेंट्स

ड कर रहे हैं सो so, वो पर्सन क्या बन जाते हैं रिस्पोंडेंट्स राइट चलिए तो लिखिए इसमें द पर्सन फ्रॉम होम द स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर नॉन एज रिस्पॉन्डेंट्स जिनसे स्ट्रेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ली जा रही है चलिए नेक्स्ट लास्ट टर्म आती है एक और हमारे पास दैट इज सर्वे इससे आप काफी वाकिफ होंगे इस वर्ड से सर्वे से देखिए मैं अगर अपने बचपन की बात बताऊं तो मुझे भी यहां तक याद है लोग आंटियां आती थी सर्वे करने आती थी लेडीज आते थे कहीं जेंट्स भी आते थे सर्वे करने घर घर में वो क्या करते थे बैग में से चिप्स निकालते थे सर इस चिप्स को टेस्ट करिए मार्केट में लॉन्च होने वाला है हमें आपका इसका रिव्यू चाहिए आपको अच्छा लगा कैसा लगा टेस्ट आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं सो so, वो क्वेश्चनरीज पूछते हैं आपसे वो क्वेश्चनरीज है तो ऑर्ली भी हो सकती है या फिर रिटर्न पेपर उनके पास हो सकता है उनको एम सी क्यू होते हैं सर आप इनको टिक कर दीजिए जैसे जैसे आप जितने भी सेटिस्फाइड हैं राइट कैसा टेस्ट है उसमें और क्या एडिशन करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग क्या आपके रिव्यूज एवरीथिंग राइट तो फ्री के चिप्स खाने को मिल जाते थे हमें राइट right? खुश हो जाते थे हम उसमें सो सर्वे क्या होता है इट्स अ मैथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो इंडिविजुअल से घर घर जाके वो आप सर्वे कर रहे हो और ये सर्वे करवाते क्यों आप अल्टीमेटली डाटा कलेक्ट करने के लिए ताकि आपको उसकी करेक्टरिस्टिक्स पता चल पाए जो आपने प्रोडक्ट बनाया है आपको उसका क्या प्राइस रखना पड़ेगा क्या क्वालिटी है उसकी क्या वो यूजफुल है या नहीं है कितनी पॉपुलैरिटी रहेगी लोगों के बीच में ऑनेस्टी एवरीथिंग मतलब अगर आपको उसकी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है तो आपको डाटा कलेक्ट करना है और डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको सर्वे करवाना पड़ेगा बिकॉज राइट बिकॉज जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी सो so, सर्वे हम क्या कैसे करते हैं मैंने आपको कैसे बताया क्वेश्चन पूछ के वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी कैंडिडेट के बारे में अगर कोई कैंडिडेट से रिलेटेड है जस्ट लाइक वोटिंग हो रही है वोटिंग so, हो रही है तो उसमें भी सर्वे किया जाता है कि आप किस को वोट देंगे किसको नहीं क्या राय है आप सो so, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से आप क्या करते हो क्वेश्चन पूछते हो राइट चलिए लिख लेते हैं सर्वे को भी लिखिए इट इज अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स द पर्पज ऑफ द सर्वे इज टू कलेक्ट डाटा टू डिस्क्राइब सम करेक्टरिस्टिक्स लाइक प्राइस क्वालिटी एंड यूजफुलनेस पॉपुलरिटी ऑनेस्टी एक्सेक्ट्रा इट इज कंडक्टेड बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कैंडिडेट फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल राइट डन समझ में आ गया आपको चलिए सो एक कॉन्सेप्ट यही खत्म करते हैं टर्म समझ में आ गई कुछ ये चार टर्म्स मैंने आपको जो बताइए इसको ध्यान रखना अब मैं अगेन जब भी आपको इन्वेस्टिगेटर बोलूँ तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है एन्यूमरेटर वर्ड यूज करो समझ जाना कौन है यूज़ समझ जाना सर्वे यूज समझ जाना Bar -bar नहीं right? ये आपको याद आगे बढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा अब एक्चुअल में मैं आपको मीनिंग लिखवाता हूं कलेक्शन ऑफ डाटा का एक्चुअली में फर्स्ट स्टेपेस्टिगेशन अगर आपको सो so, स्टैट्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको सबसे पहला जो कदम आप उठाओगे वो डाटा कलेक्शन का ही उठाओगे सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन राइट डाटा कलेक्शन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको ये टेबल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ये जो टेबल है ये क्या शो कर रहा है दैट्स अ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया राइट सो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है फूड ग्रेन्स की वो कैसा ट्रेंड चल रहा है उनका ईयर वाइज वो मैंने आपको यहाँ पे डाटा आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ दो कॉलम बनाए मैंने यहाँ पे एक ईयर का एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रीम्स वो कि आपका मिलियन टन्स में ठीक है राइट ध्यान right? रखना तो दो आपको दे दिए एक एक्स और एक वाई कॉलम सो दो कॉलम में मैं क्या दे रहा हूँ नाइनटीन सेवेंटी से नाइनटीन सेवनटी वन मतलब एक एक साल में वन जीरो एट टन्स मिलियन टन आपका प्रोडक्शन हुई उसके बाद सेवेंटी एट से सेवनटी नाइन राइट वन थर्टी टू हुई एंड आफ्टर दैट नाइनटीन सेवनटी नाइन से नाइनटीन एटी 108 हुई वो ट्रेंड दिखा रहा है पहले बड़ा फिर वापस से कम हुआ राइट नाइनटीन नाइन्टी से 1991 में सीधा 176 बिकॉज इस टाइम पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी राइट अगर आपको याद हो तो जो मनमोहन सिंह जी लेके आए थे सो so, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एन जब लॉन्च हुआ था जिसकी वजह से प्रोडक्शन फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गई थी नाइनटी नाइन्टी से नाइन्टीन में उसके बाद फिर बढ़ती चले गई नाइन्टीन से नाइन्टी सेवन हो गई उसके बाद नाइन्टी से नाइन्टी एट आपकी वन हो गई सो ये अल्टीमेटली क्या शो कर रहा है ये आपको क्या दिखा रहा है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन जो कि वेरी कर रही है ये डाटा है आपके पास इस डाटा की हेल्प से आप क्या कर सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि हां फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये जो ट्रेंड है ये जो डाटा आपने कनेक्ट किया है ये जो डाटा आपने कलेक्ट किया एक टूल है जो कि आपको हेल्प करेगा जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी उसको अंडरस्टैंड करने में राइट चलिए डाटा so, कुछ नहीं होता जस्ट और न्यूमेरिकल फीकर्स राइट ओके सो लिख लेते हैं एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं इसमें ज्यादा लिखने वाली कोई बात नहीं है इसमें लिखिए कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या लिख रहे हैं हम इट इज अ फर्स्ट स्टेप इन एनी स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एंड एंड कैरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एनी इन्वेस्टिगेशन राइट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जम करते हैं नंबर कॉन्सेप्टोर डेट इज सोर्सेज ऑफ डाटा देखिए जो डाटा कलेक्ट करने का तरीका है वो दो हो सकते हैं वेस तो अलग है बट डाटा आप कहां से कलेक्ट कर रहे हो आपका सोर्स क्या है वो दो सोर्सेज हो सकते हैं जो मैथड्स हैं डाटा को कलेक्ट करने के वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे बाकी अभी फिलहाल हम सोर्स पढ़ते हैं कि हम डाटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं सो so, दो मेन सोर्सेज होते हैं या तो आप घर की बेहद लंका ढाई वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हो इंटरनल सोर्स अंदर से ही आपने क्या करी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली होते हैं ना मासी को फ़ोन किया अरे क्या हुआ पड़ोसी में कुछ हुआ है क्या आपके तो वो चीज़ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो आप अपने अंदर से घर से कोई का पड़ोसी बता के जा रहा है कि अरे ये ये हो चुका है तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज तो दो मेन सोर्सेज होते हैं आपके okay. राइट right? कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए तो मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के दिखा सकता हूँ राइट कलेक्शन ऑफ डाटा दो कॉलम बनाए मैंने एक इंटरनल सोर्सेज और एक एक्सटर्नल सोर्सेज अब एक्सटर्नल सोर्सेज में भी डिपेंड करता है आप जब बाहर से कलेक्ट कर रहे हो जब फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है प्राइमरी डाटा राइट वो प्राइमरी डाटा बिकॉज वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया जब वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है और उसको पब्लिश कर दिया जाता है मतलब लाइक आपने कहीं न्यूज़पेपर में डाल दिया या कहीं मैगजीन में या गूगल पे आपने कहीं पे डाल दिया आपका पेटेंट हो गया लेट सपोज अब इन फ्यूचर अगर उसको कोई सर्च करता है उससे रिलेटेड कोई डाटा सर्च करता है तो वो क्या बन जाता है वो सेकेंडरी डाटा तो मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं आपके पास प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं कि जिसने एक बार पब्लिश कर दिया उस उसके बाद उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी हम जैसे आए हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए लाइक प्रीवियस कपिल देव की अगर मैं बात करूँ कपिल देव जी की उनकी अगर मुझे क्रिकेट हिस्ट्री जाननी है तो अगर मैं सर्च करूंगा तो मुझे वो डाटा इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो सेकेंडरी डाटा के बिकॉज ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुकी है राइट right? जिसने फर्स्ट टाइम की होगी वो प्राइमरी डाटा बन जाएगा राइट right? तो so, यहां पर मैंने क्या दिखाया एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर दो आ जाते हैं सोर्सेज आपके पास एक प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्लियर वन बाय वन समझते हैं इनको इंटरनल सोर्सेस हेडिंग डालिए क्या लिख रहे हैं इसके अंदर लिखिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम इट्स रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड इज नॉन एज इंटरनल सोर्सेज रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड मतलब जस्ट लाइक एग्जाम्पल अगर मैं दू एक कंपनी है उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करी हर कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ती है राइट आप भी अगर कोई कंपनी खोलोगे तो आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी जितने भी shareholders हैं उनको वो देखनी जरूरी है बिकॉज जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक आगे वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ एक स्टेबिलिटी है चलता आ रहा है प्रॉफिट हो रहा है शेयर होल्डर्स को वो अपने शेयर को इन्वेस्ट रखेंगे अदरवाइज वो सेल आउट कर देंगे राइट सो so, कंपनी हर साल क्या करती है एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है उसमें सारा कुछ होता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितनी सेल्स करी कितना लोन लिया हुआ है कितने वर्कर्स को वेजेस दिए जा रहे हैं सैलरीज दी जा रही है कैसा इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग हर चीज़ मैंशन होती है ताकि शेयर होल्डर्स उसको देख सके बिकॉज उनका पैसा लगा हुआ है उस कंपनी में क्लियर सो कंपनी जब भी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है तो वो कहाँ से करती है उसके लिए डाटा जो कलेक्ट करती है वो कहाँ से करती है वो इंटरनल सोर्सेज से करती है वो अपने अकाउंटेंट को पूछेगी राइट कंपनी अकाउंटेंट को बुलाएगी कि बताओ जी कितना खर्चा हुआ डिपार्टमेंट से पूछेगी जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हाँ जी कितना कॉस्ट पड़ी कितना आप बताओ स्टॉक डिपार्टमेंट से बुलाएगा हर हाँ, डिपार्टमेंट से जो हेड होंगे मैनेजर को बुलाया जाएगा और उनसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी सो so, अपनी कंपनी के अंदर के इंप्लॉइज से ही तो बुलाया सो इंटरनल सोर्सेज जब भी डाटा कलेक्ट किया जाता है या कंपाइल किया जाता है थ्रू इंटरनल सोर्सेज उस वो क्या बन जाता है इंटरनल डाटा क्लियर चलिए लिखते हैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखवा देता हम आपको कंपनी पब्लिशेज इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस कोमा सेल्स कोमा लोन्स कोमा वेजेस एक्सेट्रा डाटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू इंटरनल सोर्सेस इज कॉल्ड इंटरनल डाटा राइट जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा कंपाइल किया जाएगा इंटरनल सोर्सेज में वो क्या बन जाएगा इंटरनल डाटा और जब भी कोई कंपनी एनुअल रिपोर्ट बनेगी उसके लिए वो क्या यूज करेगी इंटरनल सोर्सेस यूज करेगी ठीक है चलिए इंटरनल सोर्सेज का बन गया इंटरनल डाटा अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज पे नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक्सटर्नल सोर्सेज सोर्सेज एक्सटर्नल की डेफिनेशन लिखिए इट रेफर्स टू द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने लिए जस्ट एग्जाम्पल इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मैं कोई टूर एंड ट्रेवल कंपनी खोलना चाहता हूँ जस्ट इनकेस मैं दिल्ली में खोल के बैठा हूं मेरे को यूपी में भी खोलनी है सो so, मैंने क्या किया मैंने यूपी टूरिज्म निकालने के लिए मैंने यूपी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को फोन मिलाया जितनी भी वो ट्रांसपोर्ट कॉपोशन कंपनी थी सो so, मैंने वहां पे चेक किया पूछा कि वहां पे मेनली जो रूट होते हैं वो कैसा होता है क्या टूरिज्म का है किस रूट पे ज्यादा भीड़ रहती है कौन सी काइंड ऑफ बसेस वहाँ चल सकती हैं क्या क्या परमिशन कैसे लेनी पड़ती है एवरीथिंग मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलवाई वो सारी एक्सटर्नल सोर्सेज से थी बिकॉज जो यूपी ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है राइट right? वो तो वहां की कॉर्पोरेशन सरकार ने बना रखी है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मैं तो वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो जो कि मेरे लिए हेल्पफुल है सो so, मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन क्या बन गई एक्सटर्नल डाटा बन गई बिकॉज मैंने एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करके कलेक्ट करी है और कंपाइल्ड किया उसको क्लियर लिखते हैं इसको डेफिनेशन लिख ली एग्जाम्पल यही वाला लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ अ टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी अपटेज इंफॉर्मेशन ऑन यूपी टूरिज्म

चार्ट के अंदर जो एक लाइन लिखी है इसके लिए भी एक्सटर्नल डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सो आप खुद खुद ब फर्स्ट टाइम भी कलेक्ट कर सकते हो ऑलरेडी जिसने कलेक्ट कर रखी है उससे भी ले सकते हो राइट ऑलरेडी पब्लिश हुई है इंफॉर्मेशन आप उससे भी ले सकते हो जस्ट लाइक like आपने ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को फोन किया यूपी ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को उन्होंने कहा कि जी हमारी साइट पर जाइए वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है सो जब आपने देखा वहां पर ऑलरेडी पब्लिश हुई हुई थी तो वो सेकेंडरी सोर्स बन गई आप गए आपने खुद इंफॉर्मेशन ली कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं थी पब्लिश आपने अपनी साइट पर पब्लिश करी राइट right? सो so, उसके बाद कोई उसको देखेगा तो वो सेकेंडरी बनेगी आपके लिए वो क्या है प्राइमरी है क्लियर चलिए सो जो डाटा आप कलेक्ट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्ट्रेटिस्टिकल इंक्वायरी में और उसका कोई यूज नहीं है जब तक आपके डाटा की एडिक्वेसी पता नहीं चलती मतलब उसका सोर्स पता नहीं चलता अगर प्राइमरी सोर्स है ना तो वो डाटा बहुत रेलिवेंट है बिकॉज उसके रिलेटेड जो कंक्लूजन निकलेंगे वो सिर्फ आप ही प्रोवाइड करवाओगे और किसी के पास नहीं होंगे राइट सो जो प्राइमरी सोर्स से निकल के आए होगा डाटा वो हमेशा प्राइमरी डाटा कहलाएगा और जो सेकेंडरी सोर्स से निकल के आएगा वो सेकेंडरी डाटा निकल आएगा डाटा तो रेलिवेंट रहता ही रहता है बिकॉज सारी इंक्वायरी उसी पर बेस्ड है बट अगर प्राइमरी निकाला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर चलो वन बाय वन लिख लेते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को भी हम क्या कहते हैं राइट डेफिनेशन इनके भी लिखवा देते मैं हेडिंग डालिए प्राइमरी डाटा ओके सो प्राइमरी डाटा क्या लिख रहे हैं इट इज अ डाटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस जब फर्स्ट टाइम कोई इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो क्या बन जाती है प्राइमरी डाटा बन जाता है राइट right? ये फर्स्ट टाइम है ठीक है किसी भी परपज के लिए किया right? okay, so हो राइट ओके सो जो सोर्स होगा प्राइमरी डाटा का वो क्या होगा प्राइमरी सोर्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो द सोर्स फ्रॉम विच द प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स ओके एग्जाम्पल के लिए सर एग्जाम्पल के लिए आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल ले लो अगर हम वही पढ़ रहे हैं स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया होता है जो डाटा कलेक्ट करती है पब्लिश करती है वो क्या होता है प्राइमरी डाटा होता है रिगार्डिंग पॉपुलेशन हर 10 साल बाद पॉपुलेशन चेक होती है पॉपुलेशन सेंसस बनता है राइट टू थाउजेंड एलेवन हर साल चलिए सो एग्जांपल में हमने क्या लिखा पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलिए सो ये जो डाटा होगा ये ऑरिजनैलिटी होगी इसके अंदर राइट right? बिकॉज ये फर्स्ट टाइम किया गया और ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी आप इसको कह सकते हो सो so, आप लिख सकते हो लिखना चाहो तो इट इज ओरिजिनल इन करेक्टर एंड इट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ओके चलिए एंड एक और चीज में यहाँ लिखवा रू लिखिए प्राइमरी डाटा वंस कलेक्टेड एंड पब्लिश बिकम्स सेकेंडरी डाटा एक बार आपने कलेक्ट कर लिया और पब्लिश कर दिया जैसे ही पब्लिश हुआ सबकी नजरों में आ गया अब वो सेकेंडरी डाटा बन गया अब वो प्राइमरी डाटा नहीं है जब आपने कलेक्ट किया था तब वो प्राइमरी डाटा था जैसे ही पब्लिश हो गया अब वो सेकेंडरी डाटा बन गया क्लियर चलिए तो सेकेंडरी डाटा की हेडिंग डालिए लिखिए इसके अंदर द डाटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट रादर ऑप्टेन्ड फ्रॉम द पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज जरूरी नहीं है पब्लिश हुआ हो राइट right? मैंने कहा पब्लिश हुआ तो तो बन ही जाएगा सेकेंडरी अनपब्लिश भी हो सकता है राइट right? और अनपब्लिश सोर्सेस इज नॉन एज सेकेंडरी डाटा डन और जो सोर्स होगा वो क्या कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स और इसको भी हम क्या कह सकते हैं सेकेंड हैंड डाटा जैसे वो फर्स्ट हैंड डाटा ये सेकेंड हैंड डाटा तो लिख लो इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड हैंड डाटा राइट और ये जो डाटा होता है ओरिजिनल नहीं होता राइट बिकॉज एनिमेटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने खुद कलेक्ट नहीं किया है बिकॉज उन्होंने सिंपली क्या किया है उस डाटा को यूज़ किया है जो कि ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया है सर एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका फॉर uh, एग्जाम्पल आप लिखिए इसमें इकोनॉमिक uh, सर्वे कोई भी इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो वो आ जाएगा अगर आप उसको सर्वे का यूज़ करते हो देखने के लिए कि इकोनॉमिक सर्वे का कैसी इकॉनमी है उसकी हेल्प से आप अपने प्राइजेस मार्केट का देख रहे हो प्रोडक्ट कौन सा बनाए कौन सा नहीं बनाए तो वो सब देख रहे हो तो वो सारा सर्वे जो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किया है वो आपका सेकेंडरी डाटा बन जाएगा क्लियर सो so, अगर डिफरेंस देखने को किसी को बोला जाए तो आप इसको कॉलम में भी कर सकते हो कॉलम में भी करवा दूँगा आपको चलिए देखिए तीन कॉलम बना लो एक बेसिस का देन प्राइमरी डाटा का एंड सेकेंडरी डाटा का हेडिंग डाल लो आप ऊपर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा सो तीन कॉलम बना लिए बेसिस प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का फर्स्ट बेस लेके चलते हैं ओरिजिनलिटी सो प्राइमरी डाटा की ओरिजिनलिटी है या नहीं है है प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होते हैं लिखिए प्राइमरी डाटा ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ बिकॉज इन्वेस्टिगेटर ने खुद क्या किया है कलेक्ट किया है सेकेंडरी में लिखिए ओरिजिनल नहीं होते सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल राइट सेंस इन्वेस्टिगेटर मेक्स यूज ऑफ द डाटा कलेक्टेड बाय अदर एजेंसी दूसरी एजेंसी ने कलेक्ट किया है बस सेकेंडरी वाला यूज कर रहा है राइट right? जो इन्वेस्टिगेटर है यूज कर रहा है बस ओके सेकेंड लिखिए सोर्स प्राइमरी डाटा का सोर्स क्या होता है प्राइमरी सोर्स राइट कोई भी एजेंसी पर्सन कोई भी हो सकता है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो डाटा कलेक्ट कर रहे हो और जो सेकेंडरी डाटा का होता है वो ऑलरेडी कलेक्ट हुआ होता है प्रोसेस्ड हुआ होता है पूरा प्रॉपर आपको कुछ नहीं करना होता किसी पर्सन ने पूरा प्रोसेस करके रखा हुआ आपको है आपको उठाना और पढ़ना है डेट से राइट रेडी है रेडी टू यूज है okay. ओके चलिए लिखिए इसके अंदर प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय सम एजेंसी और पर्सन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन जो भी मेथड होगा डाटा कलेक्शन का वो यूज करके वो उसको क्या करेगा कलेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेटर या एजेंट ओके, okay, so, उसके उसमें लिखिए आप सेकेंडरी डाटा में सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम पर्सन और एजेंसी एंड इज रेडी फॉर यूज वो रेडी फॉर यूज ओके सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया आपको सेकेंड पॉइंट में हमने क्या देखा सोर्स कहां से आएगा ओके थर्ड लिखिए और क्या हो सकता है थर्ड बेस टाइम फैक्टर प्राइम डाटा का टाइम फैक्टर क्या हो सकता है देखिए प्राइम डाटा को कलेक्ट करने के लिए आपको ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली राइट बिकॉज ऑरिजिनिटी है फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट करो तो इट रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम ठीक है लिख सकते हो इट रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा क्लियर चलिए आगे सेकेंडरी में लिखिए सेकेंडरी में डाटा में क्या हो सकता है उसमें आपको क्या लगेगा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा आजकल क्या करो गूगल करो मिल गया ठीक है इट रिक्वायर्स लेस टाइम डन और क्या हो सकता है कॉस्ट फैक्टर लिखिए बेसिस में कॉस्ट फैक्टर अगर आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हो तो आप खुद बताओ कम कॉस्ट लगेगी या ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होगा आपको हाई अमाउंट ऑफ मनी आपको जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ आपको एम्प्लॉयज़ की भी ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है बिकॉज वो आपके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे उसको इनिशिएट करने में आपकी हेल्प करेंगे आप अकेले इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाओगे पैसा भी चाहिए लोग भी चाहिए दोनों चाहिए चाहिए बट ये अगर सेकेंडरी डाटा की बात की जाए तो सेकेंडरी डाटा क्या है बहुत ही चीपर है आपके uh, पास नेट की बस कॉस्ट लगने वाली है ज्यादा से ज्यादा या फिर किसी के पास जाके आपको लेना पड़ेगा या कुरियर करवा सकते हो वट इट इज राइट बिकॉज वो ऑलरेडी पब्लिश होगा अगर अनपब्लिश्ड है तो फिर आपको जाके लेना पड़ेगा राइट बट ऑलरेडी वो किया हुआ है प्रोसेस्ड ऑलरेडी चलिए लिखिए द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी एंड पर्सनल पर्सनल्स मतलब इंप्लॉइज राइट right? या फिर पर्सन भी लिख सकते हो वट लिख लिया एज होल प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिएटेड बिकॉज पूरा जो इन्वेस्टिगेशन का आपका प्लान है वो पूरा स्टार्ट किया गया क्लियर चलिए उसमें लिखिए आप कॉस्ट फैक्टर में द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा इज चीपर राइट एज इट इज टेकन फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश मटीरियल डेन चलिए आगे चलते हैं और क्या बेसिस ले सकते हैं सोचो रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी लिखिए बेसिस में नेक्स्ट रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी देखिए जो डाटा है वो ज्यादा 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 रिलायबल right? रिलायबल मानोगे आप राइट है है इंक्वायरी के लिए क्यों क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद जाके कलेक्ट किया है उसे भरोसा होगा अपनी इन्वेस्टिगेशन का जबकि यही सेकेंडरी डाटा की अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी डाटा है वो इतना रिलायबल नहीं होगा बिकॉज जरूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर रिलाई करो जिसने इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है क्लियर चलिए लिखिए प्राइमरी डाटा इज मोर रिलायबल एंड सुटेबल टू द इंक्वायरी एज द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट राइट और सेकेंडरी डाटा में लिखिए सेकेंडरी डाटा इज लेस रिलायबल एंड सुटेबल टू द इंक्वायरी एज इन्वेस्टिगेटर एज इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर राइट right? किसी और से उसने क्या किया है कलेक्ट किया है क्लियर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रिकॉशंस नेक्स्ट बेसिस लिखिए प्रिकॉशंस क्या प्राइमरी डाटा में कोई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है अगर आप प्राइमरी डाटा का यूज कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है आपने खुद कलेक्ट किया सेकेंडरी डाटा में आपको वहां पे करना पड़ेगा बिल्कुल केयर और क्वेश्चन के साथ बिकॉज जो आपने इंफॉर्मेशन ली है वो किसी और की सर्च है किसी और की रिसर्च पे आप क्या कर रहे हो अपना काम चला रहे हो बट अगर सही हुई तो बल्ले बल्ले बट अगर वो वर्क वो नहीं करी गलत हो गई तो तो फिर टाटा फेश हो जाएगी आपकी राइट right? चलिए तो लिखिए देर इज नो ग्रेट देर इज नो ग्रेट नीड फॉर प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग प्राइमरी डाटा क्लियर और सेकेंडरी में क्या लिख रहे हैं सेकेंडरी डाटा शुड बी यूज विथ ग्रेट केयर एंड कॉशन क्लियर ओके okay, सो so, हो गए आपके एक एक बेसिस और लिख लेते हैं एक लास्ट लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ओके सो जो प्राइमरी डाटा आप कलेक्ट करते हो उसमें आपको एक सेटअप की जरूरत है पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जरूरत है और यही उसमें बात करें हम सेकेंडरी में तो वहां पर जरूरत नहीं है राइट क्लियर बिकॉज प्राइमरी डाटा आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करने जा रहे हो तो टीम चाहिए होगी कहां कहां जाके इंफॉर्मेशन मिलेगी टाइम लगेगा सो so, प्रॉपर टीम चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए क्लियर ओके okay, सो so, लिखो पे आप कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिक्वायर्स इलेबोरेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप चाहिए होगा क्लियर और उसमें क्या लिख रहे हैं हम सेकेंडरी में देर इज नो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन केस ऑफ सेकेंडरी डाटा ओके चलिए तो ये डिफरेंस था जो हमने बेसिक डिफरेंस देखा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच में वो क्या था वो डिग्री का था डिग्री मतलब मतलब जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं आप वो प्राइमरी है बट वही सेम डाटा जब दूसरा कोई यूज कर रहा है वो क्या बन गया सेकेंडरी बन गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बर्थ रेट के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट किया कि कंट्री में कितना बर्थ रेट है सो so, मिनिस्ट्री ने कलेक्ट किया उसके लिए वो प्राइमरी डाटा है बट यही सेम डाटा जब आप यूज करते हो जब आप गूगल पे सर्च करते हो देखते हो तो वो क्या बन जाता है सेकेंडरी बन जाता है सो इट्स ऑल अबाउट द डिग्री क्लियर समझ में आ गया अच्छे से डिफरेंस दोनों प्राइमरी सेकेंडरी? ओके चलिए सो so, आज की क्लास यही फिनिश करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे थैंक यू